नमस्कार दोस्तों व्यास टॉक में आप सभी का दिल से स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएक्स प्लेयर के बारे में यानी कि एमएक्स प्लेयर पे जो वीडियोस होते हैं उसके बारे में यानी कि वेब सीरीज और वेब शोज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों को पता ही है कि एम प्लेयर जो है एक साल हो गए वेब सीरीज और वेब शोज Amazon Prime और Netflix की तरह ही लेकर आ रहे हैं ना उनको बराबर से एक टक्कर दे रहे हैं कॉम्पिटिशन दे रहा है लेकिन यहाँ पे फर्क से बितरा है कि Netflix महीने की चार्ज करते एक साल के चार्ज करते पैसे और अमेजोन प्राइम हो गया या फिर सोनी लीव हो गए सब लोग अपना सब्सक्रिप्शन यानी कि पैसे चार्ज करते लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि एम एक्स प्लेयर जो है बिल्कुल ही फ्री है जब से स्टार्ट हुआ एम एक्स प्लेयर पर जो वीडियोस अपलोड होना कंटेंट अपलोड होना तब से लेकर अब तक एम एक्स प्लेयर ने अब तक कोई भी एक रुपया चार्ज नहीं किया है हम लोगों से सब कुछ फ्री है आप चाहे कोई भी वेब सीरीज़ देखो आश्रम देख लो या कोई भी देख लो राइट आपको पता है आजकल आश्रम बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है उसका सीरीज वन आ चुका है सीरीज टू आ चुका है दोनों ही बहुत ही जबरदस्त है अगर आपने नहीं देखा तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको जरूर देखिए बहुत ही ऑसम वेब सीरीज है और अभी आगे भी उसका थर्ड पार्ट आने वाला है तो यानी कि बहुत बड़ी वेब सीरीज होने वाली है ये कोई भी वेब सीरीज आप देख लो एम एक्स प्लेयर पर वो बिल्कुल ही फ्री है लेकिन ये फ्री क्यों है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं राइट फ्री है ये तो सभी लोग जानते हैं लेकिन फ्री क्यों है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको नेटफ्लिक्स के जो दो दिन का जो फ्री था फिफ्थ और सिक्स दिसंबर को उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था आपने नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखिए आपको समझ में आएगा आइडिया आपको मिलेगा कि नेटफ्लिक्स ने दो दिन के लिए नेटफ्लिक्स को फ्री क्यों किया था अभी हम समझते हैं कि आखिर एम प्लेयर सभी यूजर्स को फ्री में कॉन्टेंट क्यों दिखा रहा है चलिए तो मैं आपको एक्जाम्पल से शुरू करता हूँ ताकि एक्साम्पल देखिए आपको ज्यादा समझ में आता है इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं याद कीजिए जियो का जमाना जब जियो लॉन्च हुआ था मार्केट में आया था तो भी जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया था राइट कॉलिंग फ्री नेट फ्री आप उस टाइम को याद कीजिए जब जियो एकदम फ्री था राइट हम सभी लोग लाइन में खड़े थे मैं खुद तीन घंटे लाइन में खड़ा था आप लोग न जाने कितने घंटे लाइन में खड़े हो गए जियो का सिम लेने के लिए क्यों क्योंकि जियो फ्री था है ना तो फ्री की चीजें हमें ज्यादा पसंद आती है क्योंकि फ्री है ना सभी लोग जा रहे थे सिम खरीदने के लिए लेकिन अभी वही जियो हमसे महीने के टू फोर्टी नाइन रुपीज़ चार्ज कर रहा है नेट और कॉलिंग के राइट यानी कि पहले उसने फ्री में दिया उसके बाद वो पैसा हमसे ले रहा है तो यही फ़ंडा है एमएक्स प्लेयर ने भी इसी फंडे को यूज़ किया और सोचा कि काम करते हैं राइट मार्केट में पहले से नेटफ्लिक्स है अमेजोन प्राइम है सोनी लिव है ऑल्ट बालाजी है हॉटस्टार है न जाने क्या क्या है बहुत सारे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तो एमएक्स प्लेयर ने सोचा हम भी कुछ नया करते हैं लेकिन एक काम करते फ्री में देते ताकि अगर हम फ्री में कोई भी चीज देंगे तो लोग ज्यादा हमसे जुड़ेंगे बहुत सारे लोग हमको सब्सक्राइब करेंगे और हमारे मेंबर्स बढ़ जाएंगे एक काम करते पहले फ्री में करते राइट तो एमएक्स पेयर ने दिमाग लगाया और एक साल तक यानी कि अभी भी एमएक्स पेयर में आप कोई भी कॉन्टेंट देखने जाओ तो बिल्कुल ही फ्री है राइट बिल्कुल भी एक रुपये का चार्ज नहीं करता एमएक्स पेयर बिल्कुल फ्री है तो एक्स प्लेयर ने जियो से कही ना कि वो इंस्पायर हुआ है वो उसने सोचा काम करते तब जियो ऐसा दिमाग लगा सकता है तो हम भी इस तरह का दिमाग लगाते हैं क्या करते एक साल तक फ्री में देते हैं दो साल तक फ्री में देते हैं उसके बाद जैसे हमारे पास लोग मेंबर्स जुड़ जाएंगे उसके बाद हम उसको सब्सक्रिप्शन यानी कि पेड कर देंगे फिर हम लोगों से पैसा चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे तो वही चीज़ हो रहा है एमएक्स प्लेयर भी वही स्ट्रैटेजी अपना रहा है पहले तो सब कुछ फ्री में अभी दिखा रहा है अभी अभी भी एम एक्स प्लेयर पर सब कुछ आप फ्री में देख सकते हो चाहे वो हेलो मिनी का वेब सीरीज बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़ है शायद आश्रम का वेब सीरीज़ आप देखो सब कुछ आप फ्री में देख सकते हो उसके बाद जैसे ही उसके मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो एम एक्स प्लेयर फ्री को हटा देगा और पेड कर देगा यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा राइट फ्री में ज़्यादा दिन तक वो नहीं रखेगा राइट देखिए ये बिजनेस प्लानिंग है एम एक्स प्लेयर का जैसे जियो ने बिज़नेस प्लान किया वैसे ही एम एक्स प्लेयर भी बिज़नेस प्लान कर शुरू में हम इसको फ्री में कर देंगे लोग हमसे जुड़ेंगे उसके बाद हम पैसा चार्ज करेंगे जियो ने भी ऐसे ही किया जैसे ही वो मार्केट में आया सबसे पहले तो जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया था ताकि सभी इंडिया के जितने भी पब्लिक है सभी उसके पास आके जुड़ जाए जियो के साथ जुड़ जाए और जैसे जियो सबसे टॉप पे चला गया राइट right? अभी जियो टॉप पर है उसके बाद एयरटेल और उसके बाद वोडाफोन आपको पता ही है तो जियो सबसे टॉप पर चला गया उसके बाद जियो ने क्या किया सभी से पैसा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया यानी कि अंबानी ने सबसे पहले क्या, क्या? किया इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि पैसा है अंबानी के पास राइट right? वैसे ही एमएक्स प्लेयर के पास भी पैसा है इसलिए वो सबको फ्री में कॉन्टेंट दिखा रहा है राइट अगर पैसा नहीं हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई फ्री में नहीं करेगा राइट नेटफ्लिक्स को देख लो अमेजोन प्राइम को देख लो सभी लोग ने स्टार्टिंग पहले दिन से पैसा चार्ज करना स्टार्ट किया बट एमएक्स प्लेयर को पता है कि मेरे पास पैसा है एक काम करते पहले

करके उसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ राइट बहुत लोगों ने प्यार दिया बहुत लोगों ने उसका फर्स्ट पार्ट देखा सस्पेंस मूवी है उसके बाद सेकंड पार्ट आया तो सेकेंड पार्ट भी मैंने खुद ने देखा क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखने के बाद इतना सस्पेंस था कि सेकंड पार्ट जैसे ही लॉन्च हुआ लोगों ने देख लिया मैंने खुद ने देख लिया अभी तक उस पर सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ है तो जैसे ही थर्ड पार्ट आएगा तो एमएक्स प्लेयर जो है पेड कर देगा यानी कि पैसे चार्ज करेगा ताकि देखिए लोगों को अभी उत्साह हो जाएगा ना कि थर्ड पार्ट में क्या होगा थर्ड पार्ट में क्या होगा सस्पेंस बना रहेगा और जैसे लोग एम एक्स प्लोर पर जाएंगे और वहाँ पर मालूम पड़ेगा कि अरे यारी तो पैसा मांग रहा है तो लोग देने को तैयार हो जाएगा क्योंकि वो वेबसाइट जितनी ऑसम वेब सीरीज है कि लोग पैसा देने को तैयार हो जाएगा तो ये थी एक साइड नोट जो मैंने सोचा आपको बता दूं बहुत जल्द मिलेगा आपको एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक तो आपको पता है आपको क्या करना है आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके भाई का चैनल है सब्सक्राइब तो जरूर बनता है नई वीडियो जब तक नहीं आती तब तक आप अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए स्टे सेफ कीप लर्निंग दिस इज मयूर व्यास साइनिंग आउट